नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी, दो मंत्री हो सकते हैं ड्रॉप, नए चेहरों पर दाव। हिमाचल प्रदेश में दो मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं, ये झटका शिमला संसदीय क्षेत्र को दिया जा सकता है। इससे राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की तैयारी है, जहां दो नए चेहरे कैबिनेट के अंदर लाए जा सकते हैं तो मंत्री के रिक्त चल रहे एक पद को भी भरा जा सकता है। एक मंत्री फिर से शिमला संसदीय क्षेत्र को ही नहीं चेहरे के रूप में दिया जा सकता है। मंडी और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को एक मंत्री के तोहफे दिए जा सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान से इसके संकेत मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उनकी इस संबंध में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा होनी जा रही है। 100 से अधिक ट्रांजैक्शन से छात्रों के 3 दर्जन खातों में भेजे 1 करोड़, ऐसे हुई ठगी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से हुई 1 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में साइबर पुलिस थाना मध्य जोन की टीम जांच करते हुए तथ्य जुटा रही है। सेवानिवृत्त अधिकारी को राशि वापस दिलाने के नाम पर छात्र झांसा देते रहे और पैसे लेते रहे। गिफ्ट में ब्रिटिश पौंड होने की सूचना से पीड़ित भी कर चुकाने के एवज में छात्रों की ओर से मांगी गई राशि को भेजता रहा। मामले में खुलासा हुआ है कि 100 से अधिक ट्रांजैक्शन से छात्रों के 3 दर्जन खातों में 1 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर हुई है। छात्रों के खातों में पड़ी धनराशि को फ्रीज करवाने के लिए विभिन्न बैंकों से पत्राचार किया गया है। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 6-7 की वार्षिक परीक्षाएं 10 दिसंबर से जाने डेटशीट। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 10 दिसंबर से असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने 1, 2, 3, 4, 6 और 7 कक्षा की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10:30 बजे परीक्षा शुरू होगी। 13 घंटे की परीक्षा दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। मारुति कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, 3 घायल, कोटखाई पुलिस थाना के तहत बागी के समीप ढूगा थाच में एक मारुति कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल ठियोग लाया गया है। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार यहां एक मारुति कार नंबर HP03C3248 सड़क से नीचे दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें राकेश नेगी पुत्र जगदीश नेगी निवासी भालू डाकघर बागी, वीर बहादुर पुत्र दलवीर निवासी गांव बागी और दलवीर पुत्र मन बहादुर गांव खोला नेपाल घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।